कुछ भक्तों की मेरे पास प्रतिक्रिया आई है कि आप जो हनुमान जी की व्याख्या कर रहे हैं जिस रूप में, उसे सुनकर हमें अब हनुमान चालीसा पढ़ना और भी अधिक आनंदमयी हो गया है। और आपने जो हमें एक सूत्र दिया था कि कोई आवश्यकता नहीं है कि पूरी हनुमान चालीसा एक ही बार में आप पढ़ लें, कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक दिन में एक दोहा पढ़ें हनुमान चालीसा का और उसके अर्थ का भी आनंद उठाएं, रसपान करें। तो इस तरह से पूरी हनुमान चालीसा आपको अर्थ सहित कंठस्थ हो जाएगी और आप फिर भविष्य में जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो पाठ के साथ साथ उसका अर्थ भी आपके मन को रोमांचित और आनंदित करता रहेगा। तो अब हम अगले कड़ी पर चलते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब देखिए, आपको लगेगा कि हम सच में बहुत जल्दी करते थे हनुमान चालीसा पढ़ने की, जब इनके अर्थों को समझेंगे कि राम दूत, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हनुमान जी कौन हैं? राम के दूत। आज जब भी राम दूत की बात कही जाती है तो हनुमान जी का ही नाम आता है। उन्होंने ही तो उनको कितनी कितनी जगह पर अपना दूत बनाकर भेजा। सबसे बड़ी बात तो सीता जी की खोज में गए थे। तो राम दूत और कैसे हैं? अतुलित बल धामा, जिनके पास बेहिसाब ताकत है, अतुलित, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, नो कंपैरिजन, ऐसा बल है, ऐसे बल के स्वामी हैं हनुमान जी, अतुलित बल धामा। अब देखो कैसे। सबसे पहला प्रमाण तो यहीं से मिलता है कि जब उन्होंने सागर को पार किया, रावण ने सीता जी को अपनी लंका में ले जाकर रख लिया था, बंदी बनाकर ही ले गया था रावण। उसकी ये सोच थी रावण की, और जो कि सही भी थी, कि लंका तक कोई पहुंच ही नहीं सकता जो चारों तरफ सागर से घिरी हुई हो, और उस सागर में विभिन्न प्रकार के ऐसे जलजीव जो आदमी को तत्काल खा जाए किसी भी चीज़ को। ऐसी भयानक सागरों से घिरी हुई लंका में कौन पहुंच सकता है? तो वहां पर रावण पूर्णतः सुरक्षित था, कल्पना ही नहीं थी कोई पहुंच सकता है। तो उस सागर का संतरण करके, उस सागर को पार करके हनुमान जी गए अतुलित बल धामा। और ये हवा में कोई उड़ के हनुमान जी ने सागर पार नहीं किया था। हर चीज़ को डिकोड करना पड़ता है। हनुमान जी तैर कर ही गए थे। तो काव्यात्मक रूप से जब कहने में आता है कि ऐसा लगा जैसे हनुमान जी उड़कर चले गए हों, यानी इतनी सरलता से उन्होंने उसको पार किया। सरल नहीं है पार, लोगों ने सुना होगा इंग्लिश चैनल तैर के पार किया, सुनते हैं ना आप? तो ऐसे ही हनुमान जी ने उस सागर को पार जो किया, तैर कर किया, अतुलित बल धामा। अगर इस चीज को समझना हो कि कितनी हनुमान जी में शक्ति थी, तो आप अगर जिनको तैरना आता है वो स्विमिंग पूल के दो चक्कर लगा के दिखा दें, हालत खराब हो जाएगी। जो वो स्विमिंग पूल तो ऐसा है जो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, बिल्कुल शांत बैठा है, और सागर, सागर तो होता ही बड़ा भयानक है। ऊपर सागर का दिखता आसमान, उसकी ऊंची लहरें, अंदर सागर के जानवरों का होना, विभिन्न प्रकार के, कितने प्रकार के जानवर हैं, शार्क हैं और मछलियाँ कितनी तरह की जो खा जाए इंसान को, तो उसको पार करना। तो जब आप स्विमिंग पूल के दो चक्कर लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हनुमान जी में कितनी ताकत थी। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी के पुत्र थे और पवन ऋषि के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इनको पवन पुत्र भी कहते हैं। इनके पिता तो केसरी थे। तो ये हनुमान जी की यहाँ पर इन पंक्तियों में उनकी प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है कि हनुमान जी थे क्या, पहले ये तो समझो कैसा अतुलित बल था, और राम जी के दूत हैं। तो इस चीज़ को आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो उनकी इस अतुलित बल होने की चीज़ों को, और कितने राक्षसों के बीच गए अतुलित बल, देखो बल केवल शरीर का नहीं। हाँ, यहाँ एक बात और छूट रही थी कहने कि मानसिक बल भी है कितना बड़ा, कि इतनी बड़ी राक्षसों की फौज के बीच
खुद चले जाना अकेले। हाई सिक्योरिटी एरिया था अशोक वाटिका, और उसके बाद रावण की लंका, और उस पूरी लंका के अंदर अकेले घुस जाना, और फिर रावण के दरबार के अंदर अकेले खड़े होकर पूरे साहस के साथ बिना किसी डर के उससे बातचीत करना, और पूरी लंका को अकेले जलाकर वापस लौट कर आ जाना। सोच सकते हैं कभी कितनी कितनी बड़ी शक्ति चाहिए मन की और शरीर की इन दोनों कामों को करने के लिए। ऐसा तो आपने फिल्मों में सिर्फ जेम्स बॉन्ड को देखा होगा कि जेम्स बॉन्ड ही ऐसे काम करके आ जाता है, तो हनुमान जी इन सारे जेम्स बॉन्डों के भी ऊपर थे जो सारे काम कराए। जेम्स बॉन्ड को तो फिर भी कोई सरकार सहायता दे रही है, हथियार दे रही है विभिन्न तरह तरह के, इनके पास तो अपना आत्मिक बल था। तो हनुमान जी जो सबसे बड़े हैं शक्ति के लिए, वो आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों। तो जो भी हनुमान भक्त हैं उनको इन दोनों चीज़ों को अपनी डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, कि शरीर का बल भी और आत्मा का बल भी। तो जय हनुमान।